माटी की लूट से परेशान माँ और मानूस, अगर आपने अपने सपनों के घर के लिए जमीन खरीदा है तो यह खबर आपके लिए है। आप अपने सपनों के घर के लिए एक एक पाई जुटा रहे होंगे और एक दिन आपको अचानक पता चलेगा कि आपकी जमीन किसी और के नाम हो गई है। अब आप सोचेंगे कि आपने तो किसी को जमीन बेची नहीं, तो फिर कैसे वह जमीन किसी और के नाम पे चढ़ गया। आनंद फानंद में पहले आप सरकारी दफ्तर में गुहार लगाएंगे, पर वहाँ पहले तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। हाँ, अगर आप इसके पीछे लगे रहे तो आपको गोल गोल घुमाया जाएगा। बाद में थक कर आप या तो अपनी किस्मत समझकर हार मांग लेंगे या फिर कानून का सहारा लेते हुए केस करेंगे। केस करने के बाद भी आप इन सपनों के चोरों का शायद ही कुछ बिगाड़ पाए। कुछ विद्वानों लर्नेड की मदद से ये दलाल आसानी से बेल ले लेंगे और आप न्याय की गुहार लगाते रह जाएंगे। आसनसोल में ऐसे कई दलाल सक्रिय हैं जो दूसरे लोगों की जमीन बेहिचक बेच रहे हैं। इनका जाल ऐसा है कि वे आपकी तस्वीर डालकर आपके नाम का वोटर आधार और पैन कार्ड बनवाकर आपकी जमीन बिना किसी डर के बेच रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है जहां एक रानीगंज की महिला को अचानक पता चला कि उसकी पुश्तैनी जमीन किसी और के नाम पर चढ़ गई है। महिला ने जब सघन जांच की तो उसे बताया गया कि उसके पिता ने 80 के दशक में वह जमीन बेच दी है। अब महिला अपने स्वर्ग सिधारे पिताजी से तो पूछ नहीं सकती। फिलहाल वह दर बदर भटक रही है। उल्टी के एक श्रीमान की बात करें तो जब वे अपनी जमीन देखने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पर कोई और दावा कर रहा है। पूछने पर उस श्रीमान को बताया गया कि जमीन के मालिक ने उन्हें वह जमीन बेच दी है। अब जमीन के मालिक को बोला जाए कि उसी ने अपने जमीन को बेचा है तो उस पर क्या गुजरेगी। वह तो सीधा पुलिस से गुहार लगाने के लिए थाने का रुख करेगा और थाने से अगर उसे राहत ना मिली तो अदालत की शरण लेगा। अब सवाल उठता है कि प्रशासन जब तक इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक ये सपनों के चोर मासूम लोगों को लूटते रहेंगे। ANM न्यूज ब्यूरो। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ANM न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।